हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मेन है। सो आपको जो इमेज दिख रही है फ्रंट पे, वो यूपी बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि रिलीज़ हो चुकी है। ओके, 2024 का है ये ABMU का। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो CNET एलिजिबिलिटी फ्री टेस्ट होता है। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट्स 12th आफ्टर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो भी यूपी गवर्नमेंट कॉलेज से, सो वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये यूपी बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म है। सो ये CNET का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ओके, एंड आप नीचे इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे क्या होता है, तो आप पढ़ सकते हो। ये 2024 में 25 को निकला है ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, एग्ज़ाम नेम देखो, यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2024। कंडक्टिंग बॉडी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है। और जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है डेट वो 25 अप्रैल 2024 है। और जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 25 अप्रैल और 29 मई तक क्या होएगा फिल होगा। ये फॉर्म जो है वो 25 को रिलीज़ हो चुका है और 29 तक ये फिल हो सकता है। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स अगर यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं अपने बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करने के लिए, सो उनको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो PCB होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। ओके, और जिनकी मैथ है वो पैरामेडिकल्स का कर सकते हैं। सो पैरामेडिकल्स के लिए भी फॉर्म निकल चुके हैं। एंड एप्लीकेशन जो फ़ी है वो जनरल वालों के लिए 3000 है एंड OBC ST SC वालों के लिए क्या है 2000 से। ओके, एंड जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 जून को होंगी और जो एग्ज़ाम मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। एंड जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 3 आवर होती है। सो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो 11 AM टू 1 PM है। मैंने बताया कि टाइमिंग आप देख सकते हो 3 आवर को आपको पूरा टाइम मिल रहा है। और जो एग्ज़ामिनेशन में एग्ज़ाम क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं। ओके, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका इंटरमीडिएट पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैंने बताया पहले कि वही कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने PCB कर रखा है 12th आफ्टर। एंड जो स्कोर है उनका 45% होना चाहिए और इंग्लिश उनका कंपलसरी सब्जेक्ट हो के। एंड जनरल वालों के लिए 40% है यहाँ पे। और एज आप देख सकते हो, एज 17 से 35 को होना चाहिए। सो और देखो यहाँ पे ये लिंक दिया है कुछ जिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। और मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने 12th आफ्टर मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। ओके, सो उनको अगर एग्ज़ाम अच्छे से जाते हैं और नंबर अच्छे आते हैं सो उनको यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट हो जाती है। ओके, सो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करो।